हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक न्यू प्रोडक्ट की डिटेल शेयर करने वाली हूँ। दैट इज अवर व्हाट्सएप सीआरएम। यस, यू हर्ड इट राइट। अब आप व्हाट्सएप के साथ साथ सीआरएम की भी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। बट आखिर ये होता क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो आपके जैसे हमारे जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर एक प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करते होंगे, दैट इज क्लाइंट फॉलो। अब हमारी रोज बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बात होती रहती है। मान लो आज आपकी 100 क्लाइंट के साथ बात हुई, कल और नए 100 क्लाइंट्स के साथ बात होगी। इस तरह से डेली क्लाइंट्स ऐड होते जाते हैं। अब कौन से क्लाइंट से आपकी क्या बात हुई है, कौन से क्लाइंट का आपका क्या फॉलोअप था, कौन सा क्लाइंट आपको कब पेमेंट करने वाला था, वो सारी डिटेल्स याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी उस चक्कर में हमारे जो पॉजिटिव क्लाइंट थे, हम उनका तक फॉलोअप नहीं ले पाते हैं। बट व्हाट्सएप सीआरएम के थ्रू आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। मतलब अब आप अपने क्लाइंट का इजीली फॉलोअप ले सकते हैं, उन्हें ऑटो मैसेज कर सकते हैं, उनके लिए ऑटो रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल, मान लो आपका कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और वी कैन से आपका कोई न्यू फेस्टिव ऑफर आ रहा है, तो आपका वो जो मैसेज है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आपके क्लाइंट्स को पहुँचना ज़रूरी हो जाता है। अब आप वो पर्सनली भेजने जाओगे 1-to-1 चैट पे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट सीआरएम के थ्रू आप इजीली उनको 1-to-1 वो मैसेज कर सकते हैं, रैपिडली मैसेज कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक ग्रुप में आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो उनको स्पेसिफिक ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अपना खुद का ब्रॉडकास्ट बना के भी उनको रिमाइंडर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने ब्रॉडकास्ट बनाया होगा तो आपको आइडिया होगा कि ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए वो जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपके फ़ोन में सेव होना ज़रूरी होता है। बट सीआरएम में ऐसा नहीं है, आप बिना कॉन्टेक्ट सेव किए भी अपना ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को रिमाइंडर मैसेज सेट कर सकते हैं। बट कैसे रिमाइंडर मैसेज सेट करना है, किस तरह से आपको मैसेज को स्केड्यूल करना है, वो सारी ही चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और सबसे पहले तो ये आपका जो स्क्रीन दिख रहा है, आपका सीआरएम इस टाइप का कुछ दिखेगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑल, अनरीड, 1-to-1, ये सारी चीज़ों को हम टैब बोलते हैं। आप अपना खुद का न्यू टैब भी जनरेट कर सकते हैं। से ऑल है तो ऑल में आपके जितने भी चैट्स होंगे वो आपको दिखाएंगे। अनरीड है तो अनरीड में आपके जो भी अनरीड चैट होंगे वो आपको दिखाएंगे। 1-to-1 में आपके जितने भी सिंगल चैट होते हैं वो आपको दिखाएंगे। ग्रुप में आपके जो भी ग्रुप मैसेजेस होंगे, लाइक ग्रुप होंगे, वो आपको दिखाएंगे, जिन भी ग्रुप में आप ऐड हो वो। अवेटिंग रिप्लाई में जो भी मैसेज है, मतलब आपके क्लाइंट ने आपको कोई मैसेज किया और आपका रिस्पॉन्स देना बाकी है, तो वो आपकी वो जो रिप्लाई बाकी है वो मैसेजेस आपको दिखाएंगे। बिजनेस में जो भी आपके बिजनेस ग्रुप होंगे, मतलब जो भी बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे, तो वो सारे ही आपको बिजनेस में दिखाएंगे। यहाँ से आप न्यू टैब, जैसे कि मैंने बोला, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मान लो आपको कोई न्यू टैब बनाना है, यहाँ पे फर्स्ट आप ऐड टैब पे जाना है आपको। यहाँ पे जो टैब आप बनाना चाहते हो, मान लो मैं एक टैब बना रही हूँ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे मेरे जितने पॉजिटिव क्लाइंट होंगे मैं सिर्फ उन्हीं को ऐड करूँगी। तो वो टैब पे जब मैं क्लिक करूँगी तो सिर्फ वही कॉन्टेक्ट जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो आएंगे। यहाँ पे आपको जो टैब की डिटेल्स देनी हो आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिए गए, चैट है, ग्रुप है, ब्रॉडकास्ट है, तो आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप ऐड करना चाहते हो, मतलब वो टैब पे क्लिक करोगे तो आपको उतने ही ग्रुप दिखेंगे ब्रॉडकास्ट आपने जो बनाए होंगे। तो अगर वो टैब पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ वही ब्रॉडकास्ट जो आपने सिलेक्ट किए वो दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं चैट सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं जो भी मैं क्लाइंट को ऐड करना चाहती हूँ मेरे वो टैब में, वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से सिर्फ सेव करना है। यहाँ जो आपको मैंने बोला, यहाँ आपका वो टैब ऐड हो चुका है। तो अब मैं पॉजिटिव पे क्लिक कर रही हूँ, पॉजिटिव टैब पे, तो जो मैंने कॉन्टेक्ट मेरे सिलेक्ट किए हैं सिर्फ वही दिख रहे हैं। मान लो मुझे ये टैब नहीं दिखाना है तो मैं यहाँ से उसको सिर्फ हाइड कर सकती हूँ, तो वो टैब मेरा यहाँ से हाइड हो जाएगा। ये जो फीचर है वो ब्रॉडकास्ट है,
तो अगर आपने बल्क सेंडर यूज किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि आप बहुत सारे कॉन्टेक्ट को एक ही साथ पे एक ही सिंगल क्लिक पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये उस टाइप का ब्रॉडकास्ट टाइप का, यहाँ से आप ग्रुप में मैसेज करना चाहते हो तो आप ग्रुप में कर सकते हो। वन टू वन में मान लो आपको कोई स्पेसिफिक नंबर पे ही मैसेजेस करने हैं तो वन टू वन चैट पे होंगे, लेबल्स जो आपने बनाए हैं उस पे होंगे, टैब अगर आपने कोई यहाँ पे जैसे मैंने पॉजिटिव टैब बनाया तो मुझे सिर्फ वही टैब को मैसेज करना है तो यहाँ से मैं टैब सिलेक्ट करूँगी तो सिर्फ वही टैब को मैसेजेस जाएंगे। यहाँ से मुझे मेरी जो टाइम पीरियड है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ मेरा जो भी मैसेज है जो मैं भेजना चाहती हूँ वो मैसेज हम टाइप करेंगे। यहाँ से मान लो आपके पास जो कोई इमेज है, जैसे कि आपने कोई ऑफर इमेज बनाया है तो इमेज वीडियो आप शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अगर आप भेजना चाहते हो या ऑडियो भेजना चाहते हो या कोई कॉन्टेक्ट भेजना चाहते हो, कोई बटन आपने कोई लिंक जनरेट की है तो उसका बटन जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो दूसरे साइड पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो वो आपने कुछ बनाया हो तो वो ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट तो ये जो फीचर है अगर आपने बल्क सेंडर यूज़ किया हो तो आपको आइडिया होगा कि आप उसमें कैटलॉग अपना शेयर नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हो और अगर आप अपने क्लाइंट को अपना जो कैटलॉग जो आपने बनाया है बिजनेस का वो शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली वो कैटलॉग सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे अगर आपने जो अटैचमेंट ऐड किया उसको प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू चैट पे जाना है, प्रीव्यू स्टार्ट हो जाएगा आपका, अदरवाइज आप क्विक स्टार्ट पे जाओगे तो इजीली आपका जो मैसेज है वो स्टार्ट हो जाएगा जो मैसेज आप करना चाहते हैं वो। फिर आता है टेम्पलेट्स। तो मान लो अगर आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज बार बार भेजना है तो यहाँ पे आप वो टेम्पलेट बना सकते हैं अपने क्लाइंट को भेजने के लिए। और आप जब वो सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे ब्रॉडकास्ट में आपने नीचे देखा होगा सिलेक्ट टेम्पलेट्स का ऑप्शन, मैं वापस से ऐसा होता आपको दिखा दूंगी, तो सिलेक्ट टेम्पलेट तो आप जैसे ही उस पर क्लिक कर रहे हो तो आपने जो टेम्पलेट बनाया है जो एक फॉर्मेट सेट किया है तो वही फॉर्मेट आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं, ईजिली आप वहाँ पे उसको भेज सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम जो टेम्पलेट का नेम है वो ऐड कर रही हूँ ऑफर। यहाँ पे मुझे ग्रुप में बनाना हो तो ग्रुप के लिए, वन टू वन करना हो तो वन टू वन में कर सकती हूँ, लेबल्स के लिए कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट बना दिया हेल्प। अगर यहाँ पे मुझे कुछ इमेज सेट करनी हो तो मैं यहाँ से इमेज सेट कर सकती हूँ और यहाँ से मुझे सिंपली उसको सेव करना है। अब ब्रॉडकास्ट में आपने यहाँ पे जो ऑप्शन देखा होगा सिलेक्ट टेम्पलेट, ये यहाँ से आपको सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है, सेव। ऑटोमेटिक जो मैंने टेम्पलेट बनाया था वो यहाँ पे ऐड हो गया है। फिर आता है आपका वर्क फ्लो। अगर आपने चैटबॉट यूज किया हो तो आपको आइडिया होगा कि जो हम इंट्रो मैसेज भेज रहे हैं कोई स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपका इंट्रो मैसेज जा रहा है, तो चैटबॉट में क्या होता था कि अगर आपने कोई कीवर्ड बनाया जैसे मान लो हाई बनाया, एच आई हाई, तो सिर्फ अगर कोई क्लाइंट आपका हाई भेज रहा है तभी वो आपका इंट्रो मैसेज जाएगा। मतलब किसी ने एच आई भेजा तो ही आपका इंट्रो मैसेज जाएगा, पर मान लो किसी ने एच ई वाई भेज दिया तो आपका वो इंट्रो मैसेज नहीं जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको आपका जो वर्क फ्लो है सबसे पहले उसको जो नाम देना चाहते हो, जैसे इंट्रो नाम दिया। यहाँ पे अगर आप कोई ग्रुप में भेजना चाहते हो या कोई वन टू वन भेजना चाहते हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूट फॉर एवरी चैट, मतलब कोई भी आपको मैसेज कर रहा है ठीक है, तब आपका ये जो ऑटो मैसेज है मतलब कुछ भी मैसेज आ रहा है तो आपका ये जो इंट्रो मैसेज है वो जाएगा। फिर ये दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है एग्जीक्यूट फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड सिलेक्टेड कीवर्ड, तो आप कोई कीवर्ड बना रहे हो तो उसी कीवर्ड पे आपका वो मैसेज जाएगा। जैसे मान लो मैंने हाई बनाया, फिर मैंने अच्छी वाई बनाया, इस तरह से जितने भी कीवर्ड आप ऐड करना चाहते हो वो कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया एग्जीक्यूट फॉर स्पेसिफिक वर्ड, मतलब मान लो कोल वर्ड्स मैच, तो मतलब पूरे ही जो मैसेज है ठीक है उसके साथ वो कीवर्ड मैच होगा तो वो मैसेज आ रहा है, मतलब वो कीवर्ड आ रहा है तो आपका इंट्रो मैसेज जाएगा। स्टार्ट विद द वर्ड, मतलब मान लो किसी ने मैसेज किया है, जैसे मेरा कीवर्ड है हाई, तो किसी ने मैसेज किया हाई आई एम दिस दिस दिस, तो वो इंट्रो मैसेज आपका जाएगा। एंड विद द वर्ड्स, मतलब किसी ने पूरा मैसेज टाइप किया एंड में वो कीवर्ड यूज किया तो आपका इंट्रो मैसेज जाएगा। कंटेन द वर्ड, मतलब पूरे ही मैसेज में कहीं पे भी ये वर्ड आपका यूज हो रहा है तब वो मैसेज जाएगा। मतलब जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हो, जो आपका इंट्रो मैसेज होगा,
इसके साथ जो आपका जो इमेज है या वीडियो है, जो भी आप सेट करना चाहते हो, यहाँ से आपको सेट कर देनी है। यहाँ से उसको आपको जो टाइम पीरियड स्पेसिफिक आपको देना है वो ऐड कर देना है, और यहाँ से आपको सिंपली हेलो करके, मतलब जो भी आपका मैसेज है वो सेव कर देना है। फिर आता है स्केड्यूल ब्रॉडकास्ट, मतलब यहाँ पे आप जो भी ब्रॉडकास्ट, आप मतलब जो भी मैसेज है उनको आप स्केड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरा, जैसे मैंने बताया कि कोई न्यू ऑफर आ रहा है या मैंने कोई न्यू कोर्स लॉन्च किया है, तो वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे वो पूरे ही जो आप नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हो, या तो फिर आप कोई टैब जो आपने बनाया वो सिलेक्ट कर रहे हो, लेबल सिलेक्ट कर रहे हो, तो उनको वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जो स्केड्यूल आपने किया है तो वो मैसेज आप वहाँ पे पहुँच जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे माई न्यू कोर्स करके मैंने अपना एक ब्रॉडकास्ट बना लिया। यहाँ पे मुझे वो 1-to-1 करना है तो मैं 1-to-1 चैट पे ऐड करूँगी, या मैंने मान लो कोई स्पेसिफिक कोई ग्रुप बनाया है, जैसे न्यू कोर्स मेरा लॉन्च हो रहा है और जिन्होंने वो कोर्स बाय किया है तो सिर्फ वही लोगों को वो रिमाइंडर मैसेज जाए, वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने कोई मेरा टैब बना के रखा है उनको मैं मैसेज कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड कर रही हूँ। यहाँ से हमें नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जो भी आपको इंट्रो मैसेज आप करना चाहते हैं, जो भी आपका रिमाइंडर मैसेज है वो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ से आप जो अटैचमेंट ऐड करना चाहते हैं वो अटैचमेंट आपको ऐड कर देनी है, देन यहाँ से आपको उसको नेक्स्ट दे देना है। यहाँ पे जो भी आपका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड आपको यहाँ पे सेट कर देना है, वो जो टाइम इंटरवल हम बोल सकते हैं वो। यहाँ पे इमीडिएट स्टार्ट, अगर इमीडिएट स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हो तो वो मैसेज जो भी आप बना रहे हो ब्रॉडकास्ट उनको इजीली इमीडिएटली वो मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। स्केड्यूल, अगर आपको वो स्केड्यूल करना है किसी लाइक मान लो आपका 1 week के बाद आने वाला है, तो आप 1 week के बाद यहाँ पे वो स्केड्यूल कर सकते हो, एंड यहाँ से सिंपली आपको नेक्स्ट दे देना है और आपका ब्रॉडकास्ट स्केड्यूल हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई मैसेज स्केड्यूल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब मान लो किसी क्लाइंट ने ऐसा बोला है कि मैं 1 week बाद पेमेंट करने वाला हूँ, तो उनको रिमाइंडर मैसेज तो जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप वो क्लाइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से क्लाइंट सिलेक्ट करना है, जो भी आप उनको मैसेज करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे जब वो बोले, जैसे उन्होंने बोला मैं कल इतने बजे पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ से आपको वो जो डेट है वो डेट सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको जो टाइम बोले है वो टाइम सिलेक्ट कर देना है, एंड सिंपली बस ओके पे क्लिक कर देना है, तो वो उस टाइम पे उनको वो मैसेज पहुंच जाएगा। फिर आता है नोट्स। अब जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि डेली के हमें बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, अब कौन से क्लाइंट्स के साथ क्या बात हुई है वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो नोट्स में क्या है कि आप अपने लिए एक नोट्स ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको जो नोट्स का जो टॉपिक देना है वो दे सकते हो, यहाँ पे जो क्लाइंट के लिए आप नोट्स बना रहे हो उनको सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे जो भी आप नोट्स जो बात हुई है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिंपली बस सेव पे जाना है, आपका नोट्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रिमाइंडर, जैसे कि मान लो आपके क्लाइंट ने बोला कि भाई मैं 2 दिन बाद आप मेरा फॉलोअप ले लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो वो रिमाइंडर मैसेज आपको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ से वो आप सिंपली उनको रिमाइंडर मैसेज करवा दें, मतलब वो आपको रिमाइंड करवा देगा कि आपका इस टाइम पे ये क्लाइंट से आपका ये कोऑर्डिनेशन करना है। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मेरे क्लाइंट को, ठीक है, यहाँ पे जो मुझे रिमाइंडर मैसेज डालना है, जैसे कि पेमेंट, यहाँ पे जो डिटेल्स आपको ऐड करनी है वो ऐड करना है, यहाँ से जो मैसेज आपको स्केड्यूल करना है, जैसे मैं यहाँ पे 1 minute बाद का मेरा रिमाइंडर दे रही हूँ, ठीक है, 1 minute बाद का मैं यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर रही हूँ, यहाँ से मुझे ओके करना है सिंपली, और यहाँ पे सेव। 1 minute बाद यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। फिर जो आता है, तो ये अदर जो हमारे फीचर्स है, जैसे कि ब्लर सेटिंग, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने मेरे चैट्स ब्लर किए हैं, तो ये यहाँ से हो सकते हैं, ब्लर मैसेज पे मैसेज ब्लर होंगे, प्रोफाइल नेम पे जो प्रोफाइल नेम्स है वो ब्लर हो जाएंगे,
अगर आप मान लो आपने जो डिस्प्ले मतलब डीपी है वो भी आप जो ब्लर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके डीपी ब्लर हो जाएंगे। कन्वर्जेशन जो दिख रही है आप चाहते हो कन्वर्जेशन ना दिखे तो वो ब्लर हो जाएगी। व्हाट्सएप रिंग जनरेटर, यहाँ पे आपको किसी को अपना लिंक जनरेट करना है व्हाट्सएप की, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना नंबर डालना है और आपका लिंक जनरेट हो जाएगा। अनटाइटल्स, तो मान लो सिर्फ आपको डीपी ही दिखाना हो अपने चैट पे, नाम और कुछ नहीं, वो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ डीपीज दिखेंगे आपके। एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट करने हो, ठीक है, मतलब ग्रुप में से एक्सपोर्ट करने हैं, ब्रॉडकास्ट में से करने हैं, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। ग्रुप फीचर्स, तो डुप्लीकेट ग्रुप फाइंडर, मतलब कौन से ग्रुप में कौन से कॉन्टैक्ट डुप्लीकेट है वो आप फाइंड कर सकते हो। बल्क ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय ग्रुप, अगर मान लो किसी ग्रुप में से आपको एग्जिट होना हो तो आप इसके थ्रू एग्जिट हो सकते हो। ग्रुप क्लोनर, मतलब आप मान लो किसी ग्रुप के एडमिन हो और आपको वही ग्रुप क्लोन करना है तो वो ग्रुप को क्लोन कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आता है, दैट इज रैपिड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कई बार आपको रैपिडली सेम मैसेजेस करते ही जाने हैं अपने क्लाइंट को, मतलब जैसे कि पेमेंट स्कैनर हो गया, तो पेमेंट स्कैनर एक ऐसी चीज़ है कि हमको रैपिडली सबको भेजनी होती है, तो यहाँ पे आपको वो रैपिड रिस्पॉन्स में आप सिर्फ एक क्लिक करोगे आपको वो स्कैनर पहुँच जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने स्कैनर करके मेरा जो रिस्पॉन्स है उसका नाम दे दिया, यहाँ पे प्लीज यहाँ पे जो भी मैसेज आप टाइप करना चाहते हो, यहाँ पे आपको जो एड अटैचमेंट ऐड करनी है वो ऐड करनी है। यहाँ से ऐड इमेज में जाके आप वो अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं एंड सिंपली बस यहाँ पे सेव, तो आप